गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं पंजाब इकोनॉमी का सेकंड लेसन, मैन पावर रिसोर्सेज ऑफ पंजाब, यानी कि पंजाब के मानवीय साधन। मैन पावर रिसोर्सेज या मानवीय साधन का अर्थ होता है उस एरिया में, उस राज्य में रहने वाली पॉपुलेशन, वहां के ह्यूमन बीइंग्स, जो हमारी मैन पावर है, जो उस एरिया में रहने वाले लोग कितने मेहनती हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, तो ये है हमारी मैन पावर रिसोर्सेज या ह्यूमन कैपिटल। इसको ही हम मानवीय पूंजी भी कहते हैं। तो पंजाब 1 नवंबर 1966 को, आज का जो प्रेजेंट पंजाब है वो एग्जिस्टेंस में आया। उससे पहले हरियाणा और हिमाचल भी पंजाब का ही हिस्सा था, लेकिन आज का पंजाब 1 नवंबर 1966 को बना था। और पंजाब का जो एरिया है वो इंडिया के टोटल एरिया का 1.5% है। 2011 की सेंसस यानी कि जनगणना के अनुसार पंजाब की पॉपुलेशन 2.77 करोड़ है, जो कि टोटल पॉपुलेशन, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 2.3% है। तो इस तरह से पंजाब में लगातार जो है वो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। उसका रीजन क्या है? पॉपुलेशन बढ़ने का कारण, सबसे पहले बर्थ रेट। पंजाब में बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई रहा है। बर्थ रेट का मतलब होता है एक साल के अंदर अंदर पर 1000 के पीछे कितने बच्चे जन्म लेते हैं। तो पंजाब में 1970 और 1980 के बीच में पंजाब के रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में बर्थ रेट जो है वो काफी ज्यादा कम हो गई थी। लेकिन बर्थ रेट अभी 2016 की जो बर्थ रेट थी वो 20.4 per 1000 थी। इसका अर्थ है कि पंजाब की बर्थ रेट इंडिया की एवरेज बर्थ रेट से काफी कम है, क्योंकि उसका रीजन है कि इंडिया, पंजाब में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो काफी ज्यादा हाई हो चुका है, और साथ ही पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो गई है। फैमिली प्लानिंग और अलग अलग मेडिकल फैसिलिटीज मिलने के कारण भी यहाँ पर बर्थ रेट कंट्रोल हुआ है। सेकेंड आता है डेथ रेट। डेथ रेट का मतलब है एक साल के अंदर अंदर पर 1000 के पीछे कितने बच्चे मर जाते हैं, ये यहाँ की डेथ रेट होती है। तो पंजाब में डेथ रेट लगातार कम होती चली जा रही है। अगर हम 2017 की डेथ रेट देखें तो ये 6.0 per 1000 है। नेक्स्ट फीचर आता है सेक्स रेशियो, मींस कि पर 1000 मेल के पीछे कितने फीमेल्स हैं, यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां आती हैं। और सेक्स रेशियो हमारे सोशल लिविंग स्टैंडर्ड को शो करने का बहुत बड़ा इंडेक्स होता है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली पंजाब में सेक्स रेशियो 893 है, और जबकि पूरे इंडिया में ये रेशियो 940 है। इसका मतलब क्या है कि पंजाब में जो लड़कियों की संख्या वो काफी कम है। उसके बहुत से कारण हैं, यहाँ के लोगों का पढ़ा लिखा कम होना या और भी कई कारण हैं जिस कारण से पंजाब में जो लड़कियों की संख्या, फीमेल की जो नंबर्स हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। देन आता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि कितने लोग जो पढ़ लिख सकते हैं, 100% के पीछे, 100 लोगों के पीछे कितने लोगों को पढ़ना लिखना आता है, उसको कहते हैं हम लिटरेसी रेट। और 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग पंजाब में लिटरेसी रेट 76.7% है, यानी कि पंजाब के
76.7% लोग जो पढ़े लिखे हैं, हालांकि इंडिया में 74% है ये लिटरेसी रेट और पंजाब उससे काफी आगे है। लेकिन इसके साथ ही फीमेल मेंबर्स के कंपैरिजन में मेल मेंबर्स ज्यादा पढ़े लिखे हैं, 81.5 मेल मेंबर्स और 71.3 फीमेल मेंबर्स पढ़ी लिखी पंजाब में हैं। उसके बाद आता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं। पंजाब का डेंसिटी रेट 550 है, जबकि इंडिया का ये 382 है। यानी कि पंजाब में टोटल इंडिया के मुकाबले में जो एवरेज डेंसिटी है वो काफी ज्यादा है, यानी कि एक किलोमीटर के एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि पंजाब का एरिया कम और यहाँ की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। नेक्स्ट आता है अर्बेनाइजेशन। अर्बेनाइजेशन का मतलब होता है कि कितने लोग गांवों की अपेक्षा शहरों में रहने की टेंडेंसी को फॉलो कर रहे हैं, अपने गांव को छोड़कर वो शहरों में रहना पसंद करते हैं, इसको हम कहते हैं अर्बेनाइजेशन। तो अर्बेनाइजेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। उसके कारण क्या हैं? सबसे पहला कारण है इंडस्ट्रियलाइजेशन। पंजाब में शहरों में लगातार इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, जिन लोगों को गांवों में काम नहीं मिलता वो लोग शहरों में इंडस्ट्रीज में जाकर काम करते हैं और इस तरह से इनकम अर्न करते हैं। सेकेंड आता है इंक्रीज इन इनकम ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट। जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं उनकी इनकम लगातार बढ़ती चली जा रही है। उसका कारण है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण पंजाब में एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, इसलिए वो किसान जो अमीर हो चुके हैं वो अपने गांवों को छोड़कर शहरों में कंफर्टेबल लाइफ बिताना पसंद करते हैं। थर्ड रीजन है बैकवर्डनेस ऑफ विलेजेस। विलेजेस जो बैकवर्ड हैं वहां पर उतनी सुविधाएं उतनी फैसिलिटीज नहीं है लोगों के पास जितनी कि शहर के लोगों के पास होती हैं। उनको वहां पर ना तो मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, ना ही पढ़ने लिखने की फैसिलिटीज मिलती हैं, अच्छे स्कूल कॉलेजेस नहीं हैं, इसलिए वो लोग गांवों को छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं। साथ ही है पार्टीशन ऑफ द कंट्री। पार्टीशन के बाद 1947 में पार्टीशन के बाद अर्बन पॉपुलेशन यानी कि शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। एंड लास्ट इज डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ने के कारण भी लोगों को गांवों की अपेक्षा शहरों में रहना ज्यादा पसंद आता है, और शहरों में रहकर भी वो अपने गांवों में जमीनें और खेतों को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, इसलिए भी लोग शहरों की तरफ जाते चले जा रहे हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं। प्राइमरी सेक्टर जिसमें सारा एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र आता है, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि जिसमें सारी तरह की इंडस्ट्रीज आती हैं, टर्शरी सेक्टर यानी कि जिसमें कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट बैंकिंग सारी तरह की सर्विसेज आती हैं। तो पंजाब में 2004 के डाटा के अकॉर्डिंग प्राइमरी सेक्टर में 45.3% लोग, सेकेंडरी सेक्टर में 24.87% लोग और टर्शरी सेक्टर में 29.83% लोग काम कर रहे हैं।